महज 25 साल की उम्र में अपनी जिंदगी खत्म करने वाली एक्ट्रेस जिया खान ने मरने से पहले एक आखिरी खत लिखा था, 6 पन्नों का खत। ये खत वो सब बयां कर रहा था जिससे जिया गुजर रही थी, या उस वजह के बारे में बता रहा था जिसके चलते बॉलीवुड की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की चाह रखने वाली महज 25 साल की जिया खान की जीने की चाह ही खत्म हो गई। जिया खान के मरने के बाद जब ये लेटर बरामद हुआ तो एक्टर सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इस खत में जिया ने लिखा था कि अब खोने को कुछ नहीं बचा है। आखिर इस लेटर में ऐसा क्या था कि सूरज पंचोली की गिरफ्तारी हुई? आखिर इस खत में 25 साल की जिया खान ने क्या लिखा था जिसके चलते उन्होंने मरने जैसा कदम उठा लिया? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 10 साल पहले एक्ट्रेस जिया खान ने अपनी जान दे दी थी। 3 जून जब 2013 में उनकी बॉडी उनके फ्लैट से बरामद की गई थी, उसी फ्लैट से खत भी मिला था। उस खत में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। जिया ने उस खत में लिखा था, पता नहीं तुमसे ये बात कैसे कहूँ, मगर अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए सब कुछ बयां कर देने का यही सही वक्त है। वैसे भी मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं या तो जा चुकी हूँ या इसकी तैयारी में हूँ। अंदर से टूट चुकी हूँ मैं, तुम्हें शायद इस बात का पता ना हो, मगर तुम्हारा मुझ पर ऐसा असर था कि मैं टूट कर प्यार करने लगी और उस फेर में खुद को पूरी तरह से भुला दिया, खो दिया। मगर तुम थे कि मुझे तड़पाते रहे, तकलीफ देते रहे रोजाना। अब मुझे अपनी जिंदगी में रोशनी की एक लकीर भी नहीं दिखती। सुबह आँख खुलती है पर बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। कभी ऐसे भी दिन थे जब मैं बस अपना सब कुछ, अपना आने वाला कल तुम्हारे साथ में देखती थी। एक उम्मीद थी कि हम साथ होंगे, मगर तुमने मेरे उन सपनों को चूर चूर कर दिया। अब ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से मर चुकी हूँ मैं। जिया ने लिखा था, मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया, किसी की इतनी परवाह नहीं की थी, मगर मुझे बदले में क्या मिला? तुम्हारे झूठ, तुम्हारी बेवफाई। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती रही, तुम्हारी नजरों में खूबसूरत दिखने के लिए जतन करती रही, मगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हाल ये है कि ना मैं खा पाती हूँ, ना मैं सो पाती हूँ, ना सोच पाती हूँ और ना ही कुछ कर पाती हूँ। हर चीज मेरी पकड़ से छूट रही है। करियर के बारे में तो अब सोचा भी नहीं जाता। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मेरे भीतर उत्साह था, उम्मीदें थी, अनुशासन था। फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे भीतर की सबसे शानदार खूबियों को दुनिया में पनाह मिलेगी। जिया ने अपने साथ हुए धोखे का जिक्र भी इस लेटर में किया था। वो लिखती हैं, मुझे तुम्हारी नजरों में ना तो प्यार नजर आया और ना ही हमारे रिश्ते के लिए कोई कमिटमेंट। हर दिन मेरा यही डर बढ़ता रहा कि तुम मुझे मेंटली या फिजिकली हर्ट कर सकते हो। मैंने बस इतना चाहा था कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ। मैंने हमारे भविष्य के सपने देखे थे, तुम्हारी कामयाबी के सपने देखे, मगर अब मैं इस जगह को छोड़ रही हूँ और मेरे पास सिर्फ टूटे सपने और झूठे खाली वादे हैं। मैं अब सोना चाहती हूँ, ऐसी नींद जिससे कभी ना जाग ना पड़े। जिया खान की सुसाइड के बाद उनकी मां राबिया ने भी सूरज पंचोली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 28 अप्रैल 2023 यानी आज कोर्ट सूरज पंचोली को लेकर जिया खान सुसाइड मामले में फैसला सुनाने वाला है। निशब्द और गजनी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी जिया खान ने महज 25 साल की उम्र में अपने जीवन को खत्म कर लिया था और सूरज पंचोली को उनकी मौत के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब देखते हैं इस मामले में क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।